चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लीजिए जब तक आपकी सफलता की कहानी ना बन जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा वीडियो में, इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि ट्रिग्नोमेट्री से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए दोस्तों, इससे एक नंबर फिक्स है आपके एग्जाम में दोस्तों। और जो भी एमटीएस को फॉर्म डाले दोस्तों, उसके लिए यह वीडियो बेहतरीन होने वाला दोस्तों, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल दिखाइए, पहला सवाल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम सबको टाइप जो हो रहा है नो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा है ना। आप सबको लिखा गया दोस्तों टेन थीटा बराबर तीन बटा चार दिया गया है, टेन थीटा बराबर तीन बटा चार दिया है, तो पूछा है ध्यान दीजिएगा, तो कॉस थीटा के मान क्या होगा दोस्तों, आराम से सोल्व कर सकते हैं। आप जानते हैं कि टेन थीटा लंब बटा आधार होता है दोस्तों, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, याद रखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण आप सबको निकल जाएगा पांच दोस्तों। पूछा है कॉस थीटा, तो कर्ण बटा होता है दोस्तों लंब, आप सबको लंब दे ले है दोस्तों, यानी पांच बटा तीन। आप अपने ऑप्शन से मिला करके देख लीजिए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनाइएगा। चलिए सवाल नंबर तीन पे आ रहे हैं, सवाल नंबर तीन पे दोस्तों आराम से इसे सॉल्व करते हैं। आप सबको साइन थीटा बराबर दिया गया है ए बटा बी दिया है, अब पूछा है कॉट थीटा, पूछ दिया है कॉट थीटा, पूछ दिया है कॉट थीटा, क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, कर्ण होता है, यानी हम सबको निकल जाएगा दोस्तों, आधार निकालोगे दोस्तों तो रूट हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस दोस्तों आधार के स्क्वायर। अब जो पूछा है उसको निकाल देते हैं दोस्तों, कुछ भी तो नहीं करना। कॉट थीटा पूछा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा पूछा है तो आधार बटा लंब, तो आधार हम सबको दिया गया दोस्तों, आधार दिया गया है दोस्तों, आधार तो दे ले रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए आधार बटा लंब, लंब के मान ए। आप अपने ऑप्शन से मिलाकर देखिए कभी ये ऑप्शन है या नहीं, ध्यान दीजिए आप अपने ऑप्शन से मिलाइएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन बताएंगे एक क्वेश्चन छोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बनने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट में बिल्कुल दम दोस्तों, बेसिक लेवल से ही हम हाई लेवल तक पहुंचेंगे दोस्तों, ध्यान देना। तो चलिए चार नंबर सवाल दोस्तों आपके लिए, और पांच नंबर सवाल एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप सोल्व कर सकते हो, तो पांच नंबर भी सवाल आप ही लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर सिक्स दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सिक्स नंबर सवाल बिल्कुल लीजिए दोस्तों। टेन थीटा बराबर दिया गया है तीन बटा चार, और ध्यान दीजिएगा और तथा लिखा गया है जीरो डिग्री से बड़ा है एक्स से बड़ा है नब्बे डिग्री, ध्यान देना दोस्तों। तो पूछा है साइन थीटा इंटू यानी साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ध्यान दीजिए ए वाला जो है एक्स जो है ना वो थीटा का ही काम करेगा दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, ध्यान देना। आप जान रहे हैं कि टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, कर्ण आप सबको निकल गया पांच, साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी तीन बटे पांच, और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण दोस्तों यानी बारह बटा पच्चीस। आप अपने ऑप्शन से मिला करके एक बार जरूर देखिएगा, सी होगा दोस्तों। चलिए सवाल नंबर सेवन दिखाइए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल नंबर सेवन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, अब बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते दोस्तों। कॉस थीटा बराबर दिया है तीन बटे पांच दोस्तों, तो पूछा गया है दोस्तों, आप सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा दोस्तों, यही तो सवाल पूछा गया है, इतना का मान क्या होगा, आप सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब देखो साइन थीटा बराबर जान रहे कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, हम सबको लंब निकल जाएगा चार, जरा आधार दिया है तीन, कर्ण दिया है पांच, आप जान रहे हो
आप सबको लंब निकल जाएगा चार दोस्तों। अब ध्यान देना साइन थीटा बराबर लंब बटा होता है कर्ण। लंब के मान दिया दोस्तों आप सबको, लंब के मान दिया गया चार और कर्ण के मान दिया गया पांच। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार दोस्तों आप सबको पांच बटा तीन। टेन थीटा लंब बटा आधार दोस्तों, लंब के मान हम सबको चार दिया गया है और आधार के मान हम सबको तीन दिया गया है ना, सोल्व कर दीजिए। पांच से पांच कैंसिल हो जाएगा, चार चौक सोलह बटा नाइन हो जाएगा। अब सवाल नंबर ध्यान दीजिए दोस्तों, सवाल नंबर आठ जो देख रहे हैं आप सबके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं, आप सोल्व कर सकते हो। सवाल नंबर नाइन, सवाल नंबर एट जो है, सवाल नंबर नाइन है दोस्तों। चलो सवाल नंबर नाइन को सोल्व कर देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर नाइन दोस्तों बिल्कुल इजी है, आप सबको दिया गया दोस्तों साइन एक्स बराबर चार बटा पांच, साइन थीटा लंब बटा कर्ण दोस्तों, आधार निकल जाएगा तीन दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा पूछा गया दोस्तों सेक एक्स प्लस टेन एक्स दोस्तों, बिल्कुल लीजिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आप सब जान रहे कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण हम सबको पांच आधार हम सबको तीन दोस्तों। टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब के मान चार आधार के, लंब बटे आधार ना दोस्तों, लंब के मान चार आधार के मान तीन, एलसीएम ले लो दोस्तों पांच प्लस चार बटा तीन यानी नौ बटा तीन दोस्तों। आप अपने ऑप्शन से मिला के देख लीजिए तो तीन होगा यानी तीन तीन नौ, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काट दीजिए तीन तीन नौ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। तो दस नंबर सवाल जो देख रहे हैं ना, दस नंबर सवाल आपके लिए जरूर बनाइएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दस नंबर सवाल आप ही के लिए दोस्तों। और ग्यारह नंबर सवाल देखिएगा, लड़का हरक जाता है इसको देख के, आज के बाद हरकना नहीं है, आज के बाद हरकना नहीं है, हरकाना है, ध्यान देना लास्ट तक खाली बने रहना दोस्तों, बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों। एक आठ नंबर ग्यारह नंबर सवाल ना, दस नंबर तो आप ही के लिए दे दिए, ग्यारह नंबर हम बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आठ टेन एक्स बराबर पंद्रह दिया गया है, आप ध्यान दे इगुनाम दिया गया तो इगुनाम है तो उधर जाएगा तो भागम होगा दोस्तों, इस तरह के अगर सवाल रहे दोस्तों तो इस तरह से कर लेना है, ध्यान दीजिए। आठ पंद्रह और सत्रह तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा लंब बटा आधार तो कर्ण निकल जाएगा दोस्तों, यानी सत्रह निकल जाएगा कर्ण है ना, सत्रह निकल जाएगा कर्ण, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए हम सबको पूछा गया क्या साइन थीटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पूछा गया ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर आप जान रहे हैं कि लंब बटा कर्ण दोस्तों, और कॉस थीटा बराबर आधार बटा आधार आप सबको आठ दिया गया है, चलो आठ आठ बटा करना कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, कर्ण के हम सबको सत्रह, यानी ध्यान दीजिएगा सत्रह एलसीएम होगा, पंद्रह में से आठ घटा दो दोस्तों, आठ सात पंद्रह सात बटा सत्रह दोस्तों। आप अपने ऑप्शन से मिला करके देख लीजिए कहीं पे है, जरूर होगा ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। तो सवाल नंबर जो देने जा रहे हैं बारह नंबर सवाल आपके लिए दोस्तों, जरूर बनाइएगा कमेंट कीजिएगा बनता है या नहीं दोस्तों सवाल नंबर। चलिए बारह नंबर आप ही के लिए, सवाल नंबर तेरह दोस्तों बिल्कुल आप बना दोगे आपके लिए। आप सोचोगे कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर देंगे, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा या नहीं बनेगा एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम बता देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा जरूर बताइएगा कमेंट कीजिए बनेगा या नहीं बनेगा। तेरह नंबर सवाल बिल्कुल हलवा है, आप बना सकते हो। चलो सवाल नंबर चौदह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चौदह नंबर सवाल बिल्कुल इजी है, आप सोल्व कर सकते हो। अब पंद्रह नंबर सवाल देखिए, पंद्रह नंबर सवाल भी बिल्कुल इजी, चलो बता देते, अगर पंद्रह बता देंगे तो सोलह तो जरूर बना लोगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कॉट थीटा बराबर दिया है आठ बट्टा पंद्रह दिया है ना, तो पूछा गया दोस्तों ध्यान देना है रूट वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा। आप ध्यान दो इसको परिमेयकरण कर लीजिएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा कुछ भी नहीं करना है, आप सबको ए ला निकल जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, यानी ध्यान दीजिएगा आई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है ना, होगा या नहीं होगा दम होगा, तो ध्यान देना दोस्तों ये भी आप सबको स्क्वायर में रहेगा। आई देखो ये स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर से हम कर देते हैं
तो ये स्क्वायरवा से रूटवा खत्म होगा, तो एक बटा साइन तो हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो सॉल्व करिएगा दोस्तों, आई हो जाएगा कॉस थीटा, इसी का मान निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा आधार बटा होता है लंब, हम सबको कर निकल जाएगा 17। तो ध्यान दीजिए, कॉस थीटा कर्ण बटा होता है दोस्तों लंब, तो कर्ण 17 लंब आप सबको 15 माइनस कॉस थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी 8/15, 17 में से 8 गया 9 दोस्तों, 9 बटे तो ध्यान दीजिए 15, आप काट दीजिए 3 3 9, 3 5 15, 3/5। आप अपने ऑप्शन से मिला करके देखिए, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों।